बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है राउज एवेन्यू कोर्ट से। अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत है, आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी राहत है क्योंकि हम जानते हैं हाल ही में उनकी जमानत की अर्जी खारिज हुई थी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को इस समय जमानत मिलना महत्वपूर्ण माना जाता है। कोशिश करेंगे हम अपने सहयोगियों से बात करने की। अरविंद केजरीवाल को बड़ी खबर आ रही है इस समय, अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिल गई है। रात के 8 बज चुके हैं इस समय की ये बड़ी खबर है। जेल से निकलने में शायद कल ही कर पाएंगे, लेकिन इस समय की बड़ी खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। मुकेश, ये कैसे संभव हो पाया, क्या हुआ जो ये जमानत मिली? आशीष भार्गव मुझे बताया जा रहा है, हमारे साथ हैं। आशीष, आप बताइए, क्या जमानत मिली है उनको, कैसे मिली, क्या डिटेल्स? जी देखिए, बहुत बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल के लिए। जो वैकेशन बेंच है राउज एवेन्यू की, उन्होंने बेल दे दी है अरविंद केजरीवाल को। 2 दिन लगातार सुनवाई हुई, ईडी ने बड़े बड़े दावे किए कि उनके पास सबूत है कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की घूस मांगी थी, ये उनके पास सबूत है, ये तमाम बातें की थी। लेकिन जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, उसने तमाम दलीलों के ईडी के ठुकरा दिया। 1 लाख के मुचलके पर उनको रिहा करने के, जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। ईडी की तरफ से ये मांग की गई कि वो इस आदेश को चुनौती देना चाहते हैं, जो कानूनी उपाय वो अपनाना चाहते हैं, इसलिए 48 घंटे के लिए इस आदेश को स्टे किया जाए। लेकिन वैकेशन बेंच ने उससे भी इंकार कर दिया, वैकेशन जो कोर्ट थी उसने उससे भी इंकार कर दिया। और कल जो है उनकी रिहाई संभव हो सकती है क्योंकि बेल बॉन्ड भी उनको भरना है। अब रात के 8 बज चुके हैं, लेकिन बहुत बड़ी राहत है, रेगुलर बेल ये है क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट से उनको चुनाव प्रचार के लिए इंटरिम बेल मिली थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये भी कह दिया था कि अगर वो किसी भी तरह की और राहत या रेगुलर बेल चाहते हैं तो उनको निचली अदालत जाना पड़ेगा, और निचली अदालत से ही उनको जमानत हो गई है। तिहाड़ जेल में वो फिलहाल बंद है। 2 जून को उन्होंने सरेंडर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट की टाइमलाइन के मुताबिक। तो एक बहुत बड़ी राहत जो है वो ट्रायल कोर्ट से, निचली अदालत से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली है शराब घोटाला मामले में। जी बिल्कुल आशीष, तो जरा प्रोसीजर भी बता दीजिए क्योंकि रात के 8 बज चुके हैं, जो क्या प्रोसीजर क्या कहता है जेल से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि जो परिवार है उनका या आम आदमी पार्टी जो है उनके कार्यकर्ता जो हैं वो इंतजार करेंगे कि कब अरविंद केजरीवाल बाहर निकले, तो प्रोसेस क्या है? जी देखिए, प्रोसेस ये है कि अभी बेल बॉन्ड भी इनको भरना है, और बेल बॉन्ड भरने के लिए जो जज हैं उन्होंने, क्योंकि जो अभी जो ट्रायल कोर्ट है उसकी भी छुट्टियां चल रही हैं, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठते हैं, उनके सामने बेल बॉन्ड भरे जाएंगे। और